स्वागत है हमारे YouTube चैनल SS के नॉलेज में। दोस्तों, अगर आप इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, खासकर अगर आपका BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ इकोनॉमिक्स रिलेटेड वीडियो डालते रहेंगे और आप लोग को छोटे छोटे टॉपिक करके आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो चलिए, इसको हम एक ही करके जानते हैं कि क्या क्या इसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आर्थिक समस्याओं के निदान के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। यही कारण है कि आज अर्थशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण हो गया है। मार्शल के शब्दों में, अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है और व्यवहारिक जीवन, विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र में पथ प्रदर्शन करना है। डर्विन ने के अनुसार अर्थशास्त्र आज के युग का बौद्धिक धर्म है। देखिए, अर्थशास्त्र के महत्व की बात करें तो यहाँ पर जो तीन आपका जो टॉपिक दिए, तीन जो हमारा पॉइंट है, उस पर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जितना भी हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जितना भी हमारा आर्थिक समस्या है, उसके निदान के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए आज के डेट में जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, मार्शल, एक प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना और व्यवहारिक जीवन में, जो हमारा सोशल लाइफ है, जो हमारा सामाजिक क्षेत्र है, उसमें हमारा पथ प्रदर्शन करना, हमें रास्ता दिखाना कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रोफेसर डर्विन ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र आज के युग का बौद्धिक धर्म है। उन्होंने बौद्ध धर्म से अर्थशास्त्र को जोड़ दिया। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक्स पढ़ना। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का जो महत्व, हमारा जो इकोनॉमिक्स का महत्व है, उसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। दो भागों में इसे हम लोग बांट सकते हैं। एक हमारा है सिद्धांतिक महत्व, दूसरा व्यवहारिक महत्व, यानी कि थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस और प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, कि हम लोग सिद्धांत के थ्रू किस तरीके से इकोनॉमिक्स के महत्व को समझ सकते हैं और किस तरीके से हम लोग व्यवहार में, हमारे जो जीवन में जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा व्यवहारिक जीवन है, हमारा प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें किस तरीके से हम लोग इकोनॉमिक्स को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिद्धांतिक महत्व, थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस। इसमें लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे नंबर वन में जो हमारा ज्ञान में बेकल इम्पोर्टेंस में जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है तर्क या विश्लेषणकारी बुद्धि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ रीजनिंग एंड एनालिसिस। अर्थशास्त्र के विभिन्न नियमों, अर्थशास्त्र में विभिन्न नियमों का निर्माण किया जाता है, जिसके आधार पर हम मनुष्य आचरणों को समझने का प्रयत्न करते हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क संबंधी योग्यता तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। इसीलिए प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र की प्रशंसा दृष्टिगत सत्य के इंजन का आविष्कार का इंजन कहकर की। देखें, दूसरा पॉइंट हमें यह कह रहा है कि अर्थशास्त्र का जो महत्व है, इससे हमें क्या होता है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो कह रहा है कि तर्क या विश्लेषणकारी बुद्धि का विकास। अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमारा जो तर्क है, रीजनिंग जो हमारा पावर है, हमारा माइंड का रीजनिंग पावर है, वो मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे हमारा थ्योरी, बहुत सारे नियम दिए गए, बहुत सारे लॉ है, जिसको पढ़ने से, जब उसको पढ़ते हैं थ्योरेटिकल और जब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत तेज़ी से उस चीज़ों को समझने की क्षमता होती है। इसीलिए प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र को कहा कि अर्थशास्त्र की जो प्रशंसक, उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र आविष्कार का इंजन है। जो हमारा जो आविष्कार होता है, कुछ चीज़ का जो खोज होता है, जो हमारा आविष्कार है, उसका इंजन कहा इकोनॉमिक्स में, उन्होंने अर्थशास्त्र का विकास का इंजन कहा। ठीक है, प्रोफेसर मार्शल ने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारा व्यवहारिक महत्व, जो हमारा दूसरा पार्ट है, उसमें हमारा व्यवहारिक महत्व यानी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। अब इसका व्यवहारिक महत्व क्या है, तो नंबर वन में उपभोक्ताओं को लाभ, एडवांटेज टू कंज्यूमर। उपभोक्ताओं का लक्ष्य अपनी सीमित आय की अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है, जो वह अर्थशास्त्र के नियमों के अध्ययन से प्राप्त कर सकता है, जैसे सम सीमांत उपयोगिता का नियम। एक गृहस्वामी पारिवारिक बजट रखने का ज्ञान हो जाता है, जिससे मनुष्य हानिकारक वस्तुओं जैसे शराब, नशीली पदार्थ, जुआ आदि पदार्थों के खर्च को घटाकर केवल आवश्यक वस्तुओं पर उसे बढ़ा देता है। देखिए, इसका मतलब ये है कि जब कोई इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, अगर कोई एक कंज्यूमर है, अगर आप मान लीजिए आप एक कंज्यूमर हैं, तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने से आपको लाभ होगा। लाभ यह होगा कि एक हम सब का क्या, हम लोग का मूल मकसद क्या होता है कि अपना जितना भी इनकम है, उससे हम अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीद सकें, अर्थात हम अधिक से अधिक हम संतुष्टि प्राप्त कर सकें, यही हमारा उद्देश्य होता है। तो अर्थशास्त्र में जो एक नियम है हमारा सम सीमांत उपयोगिता का नियम, वो नियम हमें यही चीज़ को बताता है कि हम अपना जो कम से कम खर्च करके अधिक से अधिक वस्तुओं को कैसे खरीद सकते हैं। ये नियम हमें यही चीज़ के बारे में बताता है।
अगर कोई जो हमारा जो घर का स्वामी होती है, जो घर का जो मालिक होता है, अगर उसको बजट रखने का ज्ञान है तो अपने घर को अच्छे तरीके से चलाएगा। इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि हमें जो हानिकारक वस्तु है जैसे शराब, नशीली पदार्थ, इन सब पर जो हमारा खर्च है उसको कम करना चाहिए, और जो हमारा आवश्यक जो वस्तुएँ हैं, जो हमारा नीड्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर हमें खर्च को बढ़ाना चाहिए। ये हमारा इकोनॉमिक्स बताता है, ठीक है। उसके बाद नंबर टू में आता है व्यवसायिक और उत्पादकों को लाभ, एडवांटेज टू बिजनेसमैन एंड मैन्युफैक्चरर्स। व्यापारी एवं व्यवसायियों को बाजार के भाव को जानना, उत्पादन की प्रकृति को समझना तथा वस्तुओं की मांग को समझना आवश्यक है। अर्थशास्त्र के द्वारा ही वे अपने व्यवसाय का प्रबंधन कर सकते हैं। देखिए, हम सब अपनी लाइफ में, अगर आप एक व्यवसायिक हैं यानी आप एक बिजनेसमैन हैं या आप एक मैन्युफैक्चरर यानी किसी वस्तु का निर्माण करता है, तो आप क्या करेंगे? आपके लिए इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाज़ार का क्या भाव चल रहा है, यानी बाज़ार का जो है डिमांड क्या है, वहाँ पर मांग और सप्लाई और डिमांड किस तरीके से काम कर रही है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ में हम लोग समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र में हम लोग जानेंगे किसी वस्तु की मांग और पूर्ति में क्या रिलेशन होता है। ये चीज़ आप तभी समझिएगा जब इकोनॉमिक्स पढ़िएगा, और अगर कोई इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ेगा तो अपने जो व्यवसाय है, जो उसका बिजनेस, वो अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है किसानों को लाभ, एडवांटेज टू फार्मर्स। अर्थशास्त्र के अध्ययन से किसानों को देश विदेश की कृषि कला की जानकारी प्राप्त होती है, कृषि विपणन यानी मार्केटिंग का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन से इस बात की भी जानकारी हो जाती है कि कृषि के लिए खाद, पूंजी एवं बीज कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं, और यह सब बातें कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होती है। देखिए, अगर एक किसान है, अगर आप किसान है, एक फार्मर है, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि अलग अलग देश में, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि जर्मन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी, तुम्हारा जापान का जो टेक्नोलॉजी है वो कृषि में बहुत तेज़ी से डेवलप होते जा रहा है ना। जिसका एक सबसे अच्छा उदाहरण हमारा हाइब्रिड जो बीज आया था, ये भी एक विदेशी ही हमारा क्या विदेशी कला है, यानी विदेशी विज्ञान था जिसका हम आज प्रयोग भारत में करें। तो अगर एक किसान इकोनॉमिक्स पढ़ता है तो जो विदेशी में जो विदेशी जो हमारा बोल सकते हैं कि जो है ना जो अलग अलग देश में जो कृषि करने की जो तकनीक है, जो कला है, उसको सीखेगा तो अपने देश में फिर उत्पादन को बढ़ा सकता है। साथ ही उसको मार्केटिंग के बारे में पता होगा कि हमारा जो अनाज है कहाँ पर बेचना चाहिए, जहाँ पर उचित दाम हमें मिल सके। साथ में उसे ये भी पता चलेगा कि जो कृषि के लिए कितना सारा स्कीम जो भारत सरकार निकाली है उसका लाभ किस तरीके से ले सकता है, किस तरीके से उपकरण खरीद सकते हैं, किस तरीके से अच्छा बीज खरीद सकता है, और इन सब बातों से उसके क्या होगा कि एक किसान का जो हमारा प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ेगा, तब क्या करें वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकता है। इसके बाद हम बात करें नंबर फोर में आता है श्रमिक वर्ग को लाभ, एडवांटेज टू लेबर। अगर एक इकोनॉमिक्स पढ़ने से एक लेबर को भी लाभ होता है, कैसे होता है ये समझिए। अर्थशास्त्र का अध्ययन श्रमिकों को उनके शोषण तथा उसको दूर करने के उपाय के विषय में श्रमिकों को जागरूक करता है। यानी अर्थशास्त्र जब कोई पढ़ेगा तो उसे दिखाता है कि क्या किसी श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है, अगर शोषण किया जा रहा है तो उसे किस तरीके से वो बाहर निकल सकता है, इसके बारे में श्रमिकों को जागरूक करता है, उसके उपाय बताते हैं। श्रमिकों को अर्थशास्त्र के ज्ञान से यह सिद्ध कर पाना सरल हो जाता है कि उनकी मजदूरी दर उचित है या नहीं। अगर कोई श्रमिक को अगर इकोनॉमिक्स पढ़ेगा तो उसे पता चल जाएगा कि उनको जो मजदूरी मिल रही है, यानी जो किसी काम करने वाले जो उनको दैनिक मजदूरी मिल रही, क्या वो उचित मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये इकोनॉमिक्स पढ़ने से उनको समझ में आ जाता है। फिर आता है नंबर फाइव में, राजनीतिज्ञों को लाभ, एडवांटेज टू पॉलिटिशियन। सबसे ज़्यादा जो लाभ होता है इकोनॉमिक्स वो होता है पॉलिटिशियन को लाभ होता है। देखते ना कि जब बजट आता है तो उस पर पॉलिटिशियन जो राजनेता लोग किस तरीके से अपना अपना दाव खेलते हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का अध्ययन राजनीति को देश की आर्थिक समस्याओं की जानकारी प्रदान करता है, और इस जानकारी के आधार पर अपने क्षेत्र की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। एक वित्त मंत्री के लिए तो एक अर्थशास्त्र धर्म ग्रंथ से कम महत्व नहीं है। देखिए, अर्थशास्त्र में जो होता है राजनीति को क्या लाभ होता है उसे पता चलता है कि किसी हमारा जो देश उनका जो कार्य क्षेत्र है उनमें क्या क्या समस्या है एवं उसको किस तरीके से वो सुलझा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप एक वित्त मंत्री हैं, ठीक है, आप अगर फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो आपके लिए इकोनॉमिक्स तो आपका धर्म ग्रंथ की तरह काम करता है।
इस तरह होता है ना कि किसी एक व्यक्ति के लिए भागवत गीता उसके लिए धर्म ग्रंथ है, उसी तरीके से इकोनॉमिस्ट के लिए उसका इकोनॉमिक्स धर्म ग्रंथ होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो समाज सुधारकों को लाभ, एडवांटेज टू सोशल रिफॉर्मर। एक समाज सुधारक के लिए भी अर्थशास्त्र ज्ञान बहुत आवश्यक है। दरिद्रता, बेरोजगारी आदि समस्याओं को अर्थशास्त्र का समुचित ज्ञान के बिना सुलझाना बहुत कठिन है। अगर आप समाज सुधारक हैं तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो आप समझिएगा कि देश में कितना गरीबी है, बेरोजगारी का स्तर क्या है, और ये सब समझिएगा तभी आप इन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है समाज को लाभ, एडवांटेज टू सोसाइटी। अर्थशास्त्र समाज को हानि पहुंचाने वाले व्यक्तिगत समस्याओं की विवेचना करता है तथा उन कार्यों को रोकने के लिए उपाय बताता है और समाज के लिए जो हानिकारक है। देखिए, समाज के लिए फायदेमंद है कि वो उन सभी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में बताता है, जैसे कि किसी व्यक्ति को शराब पीना चाहिए नहीं, अगर कहीं शराब बिक रहा है तो उसे रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज शराब तो सरकार के लिए अच्छा है क्योंकि उन्हें टैक्स मिलता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हानि है। तो इस तरीके की जितना भी तुम्हारा समस्या है, सामाजिक समस्या है, उसके बारे में उन्हें बताती है और फिर उसको रोकने के क्या क्या उपाय उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमने देख लिया कि इकोनॉमिक्स का महत्व क्या है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो था बस यहीं पर था। आपने देख लिया कि इकोनॉमिक्स का महत्व क्या है, आप इसे नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर अभी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उसका हम सोल्यूशन अगले वीडियो में देंगे। तो आपको इस जो हमने टॉपिक पढ़ा उससे आपको ये क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये आएगा कि अर्थशास्त्र के महत्व की व्याख्या कीजिए। आपके यहाँ से बस एक ही क्वेश्चन बन सकता है, वो बन सकता है कि अर्थशास्त्र के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो आप इस प्रश्न का उत्तर इसमें दी गई है, आपको पूरी तरीके से दिया गया है। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपका भी कोई दोस्त इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।